लाहौर न्यूज फटाफट आपने जाने खबर आपको दें कि समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 100 भारतीय माहिगीरों को जज्बाती और जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले माहिगीर इलामा इकबाल एक्सप्रेस से लाहौर पहुंचेंगे। इसी पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद से। राना फहद बताएगा 100 भारतीय माहिगीर अब वापस वतन आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार 100 भारतीय माहिगीरों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया गया है। और ये रिहा होने वाले भारतीय माहिगीर जो हैं ये इलामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए कराची से लाहौर पहुंच गए हैं। माहिगीरों को लाहौर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन जो है वो स्पेशल बसों के जरिए ईडी की जानिब से इन्हें जो है वो वाघा बॉर्डर भारतीय हुकाम के जो है वो हवाले किया जाएगा। शाम ये रिहा होने वाले 100 भारतीय माहिगीरों को कराची से लाहौर तक के सफरी अखराजात भी जो है वो ईडी फाउंडेशन की जानिब से दिए गए हैं। और ईडी फाउंडेशन के की जानिब से जो है वो इन्हें रिहा होने वाले भारतीय माहिगीरों को खाना और तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। यहाँ से जो है वो इनको वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स के पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया जाएगा, जहाँ पर रेंजर्स की जानिब से इन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। आपका रहना फहद।